everyone, welcome to our channel. Today I'm going to show you DJI Osmo 4. This is my one of favorite gimbal. I ordered this one from Amazon. मैंने इसको Amazon से order किया है. Canadian $200. तो इस box के अंदर क्या आया है मैं आपको दिखाता हूँ. ये इन्होंने एक दिया है. ये आप हाथ में डाल सकते हैं ऐसे. और gimbal को इसके साथ लगा के आपकी सेफ्टी के लिए कि गिम्बल गिरे ना, हाथ से स्लिप ना हो, तो ये आप उसको हाथ में लगा लें. प्लस इन्होंने साथ उसके एक ये पाउच दिया है Osmo का. ये स्टिकर दिया है इसको फोन के पीछे. और ये उसके साथ दिया है इन्होंने एक रिंग टाइप चीज़ है, जस्ट ये पील होगा यहाँ से स्टिकर और आपके फ़ोन के पीछे लग जाएगा. ये स्टिकर इन्होंने इसलिए दिया है कि आप फ़ोन के पीछे इसको बैलेंस करके जहाँ पे आपका फ़ोन बैलेंस बनता है यहाँ पे बनता है उसके पीछे आप ये लगा लीजिए ऐसे स्टिकर को पील करके. ये इसके पीछे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा. ये ऐसे है गिम्बल. आपको अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले कहा है DJI मीमो ऐप. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन पे जाके उसको डाउनलोड करेंगे. एंड मैंने इसको पहले डाउनलोड कर लिया है DJI मेमो ऐप. और इसको ऐसे करेंगे और इसके बाद आप इसके पावर का बटन दबाएंगे. ये है मैग्नेट जिसकी मैं बात कर रहा था. और इसके साथ इन्होंने एक ये भी दिया है, मैं इसको यूज़ करूँगा अपने फ़ोन के लिए. मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है फ़ोन कैमरा डायरेक्शन, यानी कि जिस तरफ आपका फ़ोन का कैमरा है इस तरह एरो उसकी तरफ जाना चाहिए. तो अगर मेरे फोन का इस कैमरा इस तरफ है तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगा और इसको सेंटर में लगाऊंगा कि ये बैलेंस हो ऐसे. अब ये हो गया है. अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगा ऐसे. यही हो ऐसे. ये बहुत पावरफुल है, इसको उतारने के लिए भी काफ़ी पावर चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि आप लोग समझें कि ये मैग्नेट है तो ये फ़ोन गिर जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ वेरी पावरफुल. देयर यू गो. सो लेट्स सी, इसको स्टार्ट करते हैं. देयर यू गो, इसको स्टार्ट कर लिया. अब इसके साथ इन्होंने ये भी दिया है स्टैंड के लिए. इसके साथ एक ही USB केबल आई है चार्जिंग के लिए. इसको चार्ज करते हैं. इसकी चार्जिंग जो है वो 2 आवर चार्जिंग टाइम है और 12 आवर रनिंग टाइम है. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके स्टार्ट करने का तरीका क्या है. इसका जो M है ये मेन पावर बटन है, इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये स्टार्ट हो गया. अब ये फ़ोन मुझे खुद ही पहचानेगा. अब मैं फ़ोन को वापस जाऊँगा उस एप्लीकेशन पर जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी DJI मेमो. मैं उसको प्रेस करूँगा. इसने मुझे बता दिया है कि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ. तो मैं सीधा जाऊंगा कैमरे के अंदर इसके होम पे. देयर यू गो, आई एम इन होम. अब मैं क्या करूंगा, मैं मेन पावर बटन को ट्वाइस प्रेस करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा. तो अब ये मुझे बता रहा है कि वी आर ऑल सेट टू गो. पहले मैं इसका जाके देखूंगा यहाँ 3 चीज़ें. एक तो होम से मैं अंदर आया हूँ, दूसरा इसका टाइम है, किस टाइमिंग के ऊपर मैं इसका सेट कर सकता हूँ, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड वीडियो बनाने के लिए या फिर पिक्चर खींचने के लिए. उसके बाद इसका देखना पड़ेगा कि मुझे, मैं ऑटो पे हूँ, मैं मोस्टली ऑटो पे ही रखता हूँ ताकि इसकी ब्राइटनेस, लाइटिंग और जो इसकी स्मूथनेस है, स्लिम है, वो ऑटोमेटिक हो. मैं कैमरे के अंदर गया हूँ, मैं इसको जाके कैमरे के अंदर इसको, इस गिम्बल को ऑटो कैलिब्रेट करूँगा. कैलिब्रेशन इसकी क्या है, मैं कैलिब्रेट को प्रेस करूँगा ताकि ये अपने आप को ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर ले. तो लेट्स सी. तो मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, अभी ये गिम्बल ऑटो कैलिब्रेशन कर रहा है खुद ही अपने आप को. इट विल टेक अबाउट 30 to 40 सेकेंड. ये इसको करता जा रहा है 60%, 80%, 90%. देयर यू गो, इट्स सेट नाउ. ऑटो कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन सक्सेस. तो ओके कर दिया. अब ओके करने के बाद मैं दोबारा जाऊंगा यही 3 जो थे डॉट्स,
नीचे जाके मैं इसको देखूंगा हॉरिजेंटल गिम्बल एडजस्टमेंट, इसकी एडजस्टमेंट क्या है, क्या ये थोड़ा सा टिल्ट है, मेरी दोनों तरफ से बैलेंस है, ये लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, मेरी फ़ोन जो है वो मेरा बैलेंस है, तो इसलिए ये मेरा ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, ओके करूंगा। अब अगर मुझे थोड़ा सा लग रहा है या मेरा फ़ोन थोड़ा सा टिल्ट है लेफ्ट पे या राइट पे, तो मैं इसको अपने हिसाब से मैन्युअली इसको सेट कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट इसकी क्या है, या तो अगर ये बहुत ज़्यादा राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, तो मैं इसको प्लस या माइनस में लेके जा सकता हूँ। तो अब अगर मैं पैनोरामिक मैंने पिक्चर लेनी है, तो मैं यहाँ से एक दफ़ा प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली पैनोरामिक पिक्चर लेगा पॉइंट ए टू पॉइंट जेड, जो भी इसके बीच में आएगा, लेट्स सी ये 9 लेगा उसके शॉट्स, ये खुद ही लेता जा रहा है पैनोरामिक पिक्चर के लिए। देखो अब ये एक पैनोरामिक पूरी एक पिक्चर बना देगा, ऐसे इसने एक पैनोरामिक पिक्चर खींची है। अब उसके बाद मुझे इसकी स्टोरी के अंदर हम जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूव्स हैं स्टोरी के अंदर। केक है, इंस्पायर्ड है, पार्टी है, रिदम है, जैज है, लेट्स सी वी मेक जैज। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, 4.7 सेकंड बन सकती है, 4.9 सेकंड, मैं 4.9 पे जाता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, इसने वीडियो बना दिया, अब ये मुझे कह रहा है कि यू वांट टू टेक अगेन रीटेक नेक्स्ट, आप इसकी एक और भी बना सकते हैं नेक्स्ट करके, अगर मैं एक और बनाना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, मेरी 4.9 की बन गया, मैं 4.7 की बनाना चाहता हूँ, मैं फिर प्रेस करूँगा, ये 4.7 की मुझे बना के देगा। मेरी 4.0, अब मैंने अगर इनको ड्राफ्ट में सेव करना है तो ये मेरे सेव हो गया ड्राफ्ट में, मैं वापस जाता हूँ। तो इसी तरह बहुत सी मूवीज हैं, लेट्स सी मैं ब्रिक्स करता हूँ स्टार्ट, तो उसके पास भी मेरे पास ऑप्शन है ब्रिक्स के लिए कि मैं कौन सी बनाऊँ, उसके अंदर भी 3.6 सेकंड, 3.8, 3.7, 3.4, मैं 3.8 जो इसी तरह आप काफ़ी बना सकते हैं स्टोरी में, पैनोरामिक फोटो, और इसका जूम के लिए यही है लेफ्ट के ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह करूँगा तो ये जूम करेगा, ये जूम इन कर दिया, जूम आउट होगा तो उसको नीचे करूंगा तो जूम आउट कर देगा इस तरह। अब अगर मुझे रियर कैमरे से फ्रंट कैमरे पे लेके आना है अपने पास, तो इसके पीछे ये बटन है, मैं इसको 3 प्रेस करूंगा तो ये मुझे रियर से फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा इस कैमरे को, ऐसे सी हम फ्रंट पे आ गए। अब मैं अगर बैक पे करूंगा फिर, तो फिर मैं दोबारा 3 करूंगा तो वो मुझे बैक पे ले जाएगा। सेल्फी होल्ड लाइक दिस, आप इसको होल्ड कर सकें, ऐसे कोई भी सेल्फी लेनी हो इतना पकड़ के आप आराम से अपनी सेल्फी ले सकते हैं। इसके अंदर ये आपको पाम का बटन नज़र आ रहा है, ये पाम का बटन मैं दबाऊंगा, हैंड का है जो इस तरह, इसको मैंने ऑन किया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरी वीडियो कैसे बनाएगा, इधर मैं पीस का साइन बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे कैच कर लेगा, दे नाउ इज मेकिंग माय मूवी, इधर मैं गो लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, जहाँ मर्जी जाऊं, ये मेरी वीडियो बनाता जा रहा है, और मुझे अगर अपनी वीडियो दोबारा पॉज करनी है तो मैं दोबारा सामने आके पीस का बटन दबाऊंगा या इस तरह करूंगा तो ये बंद कर देगा। तो ये मैंने बेसिक आपको थोड़ा सा बताया, मुझे तो बहुत पसंद आया मेरा न्यू टॉय, दिस इज गिम्बल DJI Osmo 4, इट्स रियली कूल फीचर्स, इसका मटीरियल बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि आप हाथ में पकड़ेंगे और मूवी बनाएंगे और स्टिल पिक्चर्स और उसको आउटडोर लेके जाएंगे, दिस इज रियली कूल, आई रियली लाइक इट, इट्स गुड, आई होप यू गाइस लाइक दिस रिव्यू, अगर आपको पसंद आया प्लीज कमेंट, सब्सक्राइबर्स थम्स अप एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।